प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कक्षा 10 हिंदी, शीर्षक है स्वदेश प्रेम और दूसरा भाग। अभी कल आपने पढ़ा कि विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। विषुवत रेखा का जो निवासी है, जहाँ कठोर गर्मी पड़ती, घनघोर गर्मी पड़ती है और गर्मी के कारण मनुष्य हाँफने लगता है, जीव जंतु हाँफने लगते हैं, लेकिन वहाँ के लोग हाँफते हुए जीवन बिताते हैं, लेकिन वह भी अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करता है, रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर अलौकिक दिव्य प्रेम रखता है वह। और ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, और जो ध्रुवी प्रदेश का निवासी है, जहां वर्ष के अधिकांश महीनों में घनघोर ठंडी पड़ती है, हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, जहां धुंध पड़ती है, ठंड पड़ती है, कोहरा पड़ता है, कांपने लगता है, लेकिन फिर भी अपनी मातृभूमि से वह भी अलौकिक प्रेम करता है। वह अपनी मातृभूमि को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाता नहीं है। आज देखेंगे आप, तुम तो है प्रिय बंधु स्वर्गसी, तुम तो है प्रिय बंधु स्वर्गसी, सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में, धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। तब कहता है कि तुम तो हे प्रिबंधु स्वर्ग सी सुख सकल विभव किया कर, अपना भारत देश जो संपूर्ण वैभव का खजाना है, सुख समृद्धि जहां निवास करता है, ऐसे स्वर्ग सी स्वर्ग जैसे सुखद देश में जन्म लिए हो, और धरा शिरोमणि मातृभूमि में, धन्य हुए हो जीवन पाकर। यह भारत भूमि धरा में शिरोमणि है, सिरमौर्य है, और ऐसे सिरमौर्य देश में जन्म लेकर के तुम धन धन्य हो गए हो। और तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, खाकर जिसका अन्न जिए हैं, पीकर जिसका पानी, हम सब जिस पर दौड़ मचाते, हम सब जिस पर धूम मचाते, दौड़ दौड़ मनमानी। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, जिसकी रज में, जिसकी धूल में, जिसकी मिट्टी में खेले, जिस देश के अन्न को खाए, जल को पिए, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। हे वीरों के पुत्रों, अगर शरीर में एक भी सांस है, एक भी धड़कन है, रक्त की एक भी बूंद है, तो फिर इस स्वर्ग जैसे भारत देश को कैसे त्यागोगे, कैसे प्रेम नहीं करोगे। तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा परम कर्तव्य है, ऐसे देश से अलौकिक अनुराग होना चाहिए। जो सरहद पर मर जाते हैं, नाम अमर कर जाते हैं, भी बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन देखेंगे आप आगे। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन। जब तक साथ एक भी दम हो, शरीर में तनिक भी दम है, तनिक भी ताकत है, तनिक भी शक्ति है, तनिक भी बल है, हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, एक भी धड़कन अगर अवशिष्ट हो, बची हो, शेष हो, रखो आत्म गौरव से ऊंची पल के सिर ऊंचा, न मुंह छुपा के जियो,
न सिर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो, न सिर झुका के जियो। गमों का दौर आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो, न सिर झुका के जियो। कभी कहता है कि एक भी धड़कन शरीर में है, एक भी बूंद रक्त की है तो सिर झुकना नहीं चाहिए। मांग करके विदेशों से गल्ला, हम सिपाही हैं आखिर दम तक, देश की अपने रक्षा करेंगे, पूज्य बापू के चरणों में रह के हिंद जय हिंद बोला करेंगे। टीपू सुल्तान झांसी की रानी, अमर जिनकी अभी तक कहानी, खून का अपने दीपक जला के, खून का अपने दीपक जला के देश भर में उजाला करेंगे। हम सिपाही हैं आखिर दम तक, देश की अपने रक्षा करेंगे। वीर फौजों की अंतिम कहानी, भगत सिंह की ये फांसी निशानी, लहुओं की अपने दरिया बहा के, लहुओं की अपने दरिया बहा के नाम भारत का रोशन करेंगे। मांग करके विदेशों से गल्ला, शीर्ण भारत का नीचा करेंगे। हम सिपाही हैं आखिर दम तक, देश की अपने रक्षा करेंगे। कब कहता है सांस की एक भी धड़कन हो, खून की एक भी बूंद हो तो अपने सिर को, अपनी पलकों को सम्मान ऊपर उठा करके जियो। और रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकें, ऊंचा सिर, ऊंचा मन, मन में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। और एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में, हे शत्रुंजय दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। एक भी बूंद रक्त की शेष हो तो दीन वचन मत बोलो, सम्मान से जियो। जिंदगी की यहां अनगिनत डालियां, तुम किसी डाल पर भी खिलो तो सही, एक पल ही जियो, फूल बनकर जियो, सूल बनकर गुजरना नहीं जिंदगी। जिंदगी की यहां अनगिनत डालियां, तुम किसी डाल पर भी खिलो तो सही। आइए, निर्भय स्वागत करो, दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। मृत्यु क्या है? मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी कब शाम आ जाए। हमेशा तलाश करो ऐसा मौका कि जिंदगी औरों के भी काम आ जाए। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। अरे मृत्यु क्या है? यह ले दस्तूर दुनिया के यारों, आ गए हैं तो जाना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन खाली करना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ढूंढ लो कोई सतगुरु अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा।
आई। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु क्या है? यह शरीर, इस शरीर को छोड़ करके जीव दूसरी शरीर में प्रवेश कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ये घर है, जिंदगी के किराए का घर है। जिंदगी किराए का घर है। ये तो जीव जो है इस शरीर में निवास करता है ना। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने वस्त्रों का परित्याग करके नए वस्त्रों को धारण करता है, ये आत्मा जीवात्मा भी पुरानी शरीर को छोड़ करके नई शरीर में प्रविष्ट होती है। कुछ नया थोड़ा ही हो रहा है। यह जीवात्मा इस शरीर को बदल करके किसी दूसरे शरीर में चली जाती है, बस इतना ही तो हो रहा है। और कुछ विशेष नहीं है इसमें। यह शरीर, ये जीवात्मा शरीर को बदलती है बस। बोले काया में सुगनवा बड़ा रे लहरी, खा पी कर जब मस्त होई तब मधुर मधुर धुन गावे। अरे बजा के नहद तान सुगनवा मीठे सुर में गावे। बोले सा जयऊ बिहनवा बड़ा रे लहरी, बोले काया में साढ़े तीन हाथ का पिजरा ता में सुगना बोले। कभी कभी मस्ती में जाके मन की जौहर बोले। आइए मूल भाग पर चलते हैं। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। वही जो बात आपसे अभी कहा प्यारे बच्चों, वही निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु एक है विश्राम स्थल। मृत्यु क्या है? विश्राम करने का स्थान है, विश्राम करने का स्थल है, जगह है। जीवन भर की थकान मिटाता है। जीवन भर जो किया रहता है ना, थका रहता है, श्रम से हारा रहता है, तो मृत्यु होने पर वो एकदम खूब लंबा लंबा करके सोता है। उदर में पढ़त पौढ़ी मही जननी संग पौढ़ी के बाल कहायो, से जप पढ़त पौढ़त ही तिरिया संग पौढ़ी युवा को गवायो। क्षीर समुद्र में पौढ़ नहार तीने नहीं पौढ़ी के ध्यान लगायो। अब पौढ़त पौढ़त पौढ़ी थक्यो, अब चिता पे पौढ़न के दिन आयो। सोता है जीव, मृत्यु है ये एक विश्राम स्थल। वहां जीव विश्राम करता है, जीवन भर की थकान मिटाता है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। क्या डर है जी? जाना तो है, न जाने कब मौत का पैगाम आ दे, कौन जानता है। घबराना नहीं चाहिए। जीव जहां से फिर चलता धारण करने जीवन संबल, और विश्राम करने के बाद नया जीवन शुरू होता है उसका। उस जीव का नया जीवन शुरू होता है फिर। जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। कब यहां मृत्यु को एक सरिता बताया है, नदी बताया है, उसमें नहाता है, जाकर के स्नान करता है, मरने के बाद स्नान करता है। जब अर्थी को लेकर के लोग चलते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन जो मृत जीव रहता है ना, जो मुर्दा रहता है, उसकी मुंडी ऐसे ऐसे हिलती है। देखिए आप चलते समय ऐसे ऐसे करती हो, कहता है ना राम नाम सत्य है ही नहीं, मुझे जीवन में बताया ही नहीं गया, क्यों नहीं बताया गया, काम काम सत्य है। तो मुर्दा ऐसे ऐसे करता है ना।
राम नाम सत्य ही नहीं है। अगर मान लीजिए सत्य है तो महाराज किसी का तिलकोत्सव होता हो, शुभ विवाह हो, जरा जा करके वहां श्री राम नाम सत्य है कह दीजिए, देखिए कितने थप्पड़ बरसेंगे आप पर, गिन नहीं पाएंगे आप। आइए चलिए, कथा लंबी हो जाएगी। जीव जहां से फिर चलता है धारण करने जीवन संबल, मृत्यु एक सरिता है, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, श्रम से थका हुआ जीव नहाता है, फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर, शरीर रूपी वस्त्र बहाकर को बहा करके नए शरीर को धारण करता है और नए शरीर में प्रविष्ट होकर के नया जीव बन जाता है वह। और फिर आगे चलता है वह। प्यारे बच्चों थोड़ा सा और बचा है, चलिए देख लीजिए थोड़ा सा हो जाएगा। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भय, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। कवि कहता है सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर। सच्चा प्रेम आत्म बलिदान पर निर्भर है। जब तक आत्म त्याग नहीं होगा, त्याग का भाव नहीं होगा, प्रेम पुष्ट नहीं होगा, प्रेम पुष्पित पल्लवित नहीं होगा, प्रेम में प्रेम नहीं होगा, प्रेम में अनुराग नहीं होगा, जब तक बलिदान का भाव न हो, देश के ऊपर मर मिटने का स्वाभिमान न हो, अभिमान न हो, गर्व न हो। और अगर किसी से आपने मित्रता किया है ना, तो आप यह सोचिए कि बिना त्याग के मित्रता निभ जाए तो निभेगा नहीं। तनिक तनिक बात को आप ध्यान में बैठाए रहेंगे तो मित्रता निभेगी नहीं, त्याग करना पड़ता है। मित्रता को निभाने के लिए, प्रेम को जीवन प्रदान करने के लिए बलिदान त्याग की जरूरत पड़ती है। प्यारे बच्चों त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। कवि कहता है कि त्याग के बिना प्राण जो है ना निष्प्राण है, उसमें जीव नहीं रहेगा, उसमें जान नहीं रहेगा, उसमें सांस नहीं रहेगी, उसमें खून का एक बूंद नहीं रहेगा। अगर त्याग नहीं है, त्याग का भाव नहीं है, तो समझ लीजिए कि प्राण निष्प्राण है। करो प्रेम पर प्राण निछावर। कवि कहता है कि प्रेम पर प्राण निछावर कर देना चाहिए, मातृभूमि पर, देश के ऊपर, अपने यार साथी दोस्त मित्र सगे संबंधी भाई भतीजों के ऊपर। प्रेम तो वह है, लेकिन आजकल क्या कहें बताना नहीं, आप जानते हैं, पता नहीं क्या है। दो भाई हैं, जब तक अलग नहीं होंगे उनको अमन चैन नहीं मिलेगा, और अलग होने के बाद चलिए भाई अलग हो गए, रोटी दाल अलग बनने लगा, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रेम भी अलग कर लेते हैं। अरे प्रेम तो एक में रहने दो, दोस्त सखा भाई, प्रेम तो मत अलग करो। कब उसी प्रेम की चर्चा करता है, उसी अनुराग की चर्चा करता है। देश प्रेम वह पूरी क्षेत्र है अमल असीम त्याग से विलसित। देश प्रेम वह पूरी क्षेत्र है, कब कहता है कि अमल, अमल माने मल माने गंदा, अमल माने निर्मल, स्वच्छ, स्वच्छ असीम त्याग से उल्लसित होता है, सुशोभित होता है। असीम त्याग से प्रेम उल्लसित होता है, सुशोभित होता है। आत्मा के विकास में जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, और आत्म त्याग से आत्मा का विकास होता है, और आत्मा के विकास से मानवता विकसित होती है, मनुष्यता विकसित होती है। बच्चों चलिए यहीं पर स्वदेश प्रेम समाप्त हुआ। फिर आप देखिए इसमें भाषा क्या है, शुद्ध खड़ी बोली, मुक्तक शैली, ओजगुण, वीर रस देखेंगे आप, अलंकार आप ढूंढेंगे, अलंकार क्या है देखेंगे आप।